नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। विनायक दामोदर सावरकर पर अपनी टिप्पणी को लेकर पूर्व सांसद राहुल गांधी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। ANI से बातचीत में रंजीत सावरकर ने कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर दिए बयान पर माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने सावरकर का अपमान किया है, इससे पहले भी उन्होंने उनका अपमान किया है। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर भाजपा ने उनकी आलोचना की। पार्टी सांसद पूनम महाजन ने कहा कि राहुल कभी सावरकर नहीं हो सकते, वे गांधी नहीं गंदगी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अपने सबसे सुनहरे सपनों में भी वीर सावरकर नहीं हो सकते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी के विचार से असहमत नजर आए। उन्होंने कहा कि वे सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे ने कहा कि सावरकर ने अंडमान की सेल्यूलर जेल में 14 साल तक अकल्पनीय यातनाएं सही थी। हम उनके बारे में सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये भी एक तरह का बलिदान है। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय है। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा काटना आसान नहीं है। राहुल की ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राहुल गांधी ने सांसद सदस्यता रद्द होने के बाद 25 मार्च को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगा करते। दरअसल सूरत कोर्ट की ओर 2019 के मानहानि के एक मामले में 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने परिचय में अयोग्य सांसद लिखा है।